डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल इनोवेटिव ब्यूटी टिप्स। मैं हूँ संजना और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि हेयर वॉश कर लेने से पहले हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा फ्रिजी से रहते हैं, एकदम डल डल से रहते हैं। तो ऐसे फ्रिजीनेस और डलनेस को एकदम चुटकियों में छू मंतर करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होता है। तो जब भी हम शैम्पू करने जाते हैं तो हमें एक चीज़ अपने शैम्पू में ऐड कर लेना है, जिससे हमारे बालों का जो कलर है वो और भी ज़्यादा शाइनी हो जाएगा। शाइनी के साथ साथ फ्रिजीनेस और डलनेस भी गायब हो जाएगी। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ऐड कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। तो ये कौन सी चीज़ है मैं आपको बताऊँगी मेरे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि मेरे जो हेयर से बहुत ज़्यादा फ्रिजी से लग रहे हैं, एकदम डलनेस है, शाइन बालों में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए मैं लाई हूँ एक सोल्यूशन। तो हमें ले लेना है थोड़ा सा 1 चम्मच कॉफ़ी, और उस कॉफ़ी में जो भी शैम्पू हम यूज़ करते हैं वो शैम्पू हमें ऐड कर देना है और उसे मिक्सअप कर देना है। बहुत सारे शैम्पूज ट्राई करने के बाद अब मुझे लग रहा है सनसिल्क ही बेटर था जो मैं पहले यूज़ करती थी। अगेन मैं वापस वहीं पर आ गई हूँ। तो बालों को अब एकदम शाइनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसे ट्राई करने का सोचा। तो फिर यहाँ ट्राई करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हमें अपने बालों को पूरी तरह से भिगा लेना, एकदम गीला कर लेना है। फर्स्ट टाइम हमें हमारा नॉर्मल शैम्पू यूज़ करना है, एकदम जो डायरेक्टली हमने हैक वाला शैम्पू बनाया वो हमें सबसे पहले यूज़ नहीं करना है। हमें सबसे पहले जो हम रेगुलर बेसिस पर शैम्पू यूज़ करें जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करना है, और अपने बालों को पूरी तरह से वॉश कर लेना है। शैम्पू पूरी तरह से निकल गया है, बाल अब भी पूरी तरह से भीगे हुए हैं, बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। और उसके बाद हमें अप्लाई कर लेना है जो हमने बना लिया था शैम्पू में कॉफ़ी ऐड करके। कॉफ़ी की वजह से हमारे बालों में शाइन आ जाएगी, बालों का कलर भी थोड़ा सा कलर टेक्स्चर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, वैसे भी आप सभी को पता होगा कि सनसिल्क शैम्पू की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर आपने यूज़ किया होगा तो। और ऊपर से इसमें कॉफ़ी ऐड कर दिया है, फिर तो एकदम खुशबू की बहार है। कॉफ़ी की खुशबू भी एकदम बेस्ट होती है, और शैम्पू में तो खुशबू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू और कॉफ़ी को मिक्सअप करके अच्छे से अपने बालों में अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करते वक्त हमें थोड़ा थोड़ा सा स्कैल्प में मसाज देना है ताकि जो हमारे डैंड्रफ वगैरह है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। मसाज भी हमें हल्का हल्का सा देना है, ऐसा नहीं कि एकदम हमने स्कैल्प पर रगड़ना, नाखूनों से घिसना स्टार्ट किया, नहीं तो ब्लड आ जाएगा। इसलिए हल्के हल्के फिंगर से हमें ऐसे ही मसाज देना है, और लेंथ की तरफ शैम्पू को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जब भी हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए हमारे स्कैल्प वाले एरिया में, हमारे लेंथ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कैल्प वाला शैम्पू वाला पानी वैसे भी स्कैल्प से होकर ही गुजरेगा, तो वहाँ पर शैम्पू अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और कॉफ़ी ऐड करके शैम्पू यूज़ करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इससे, ना आपका हेयर फॉल बढ़ेगा ना ही बालों में कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे वैसे ही रहेंगे। बस हाँ, इतना कहूँगी कि बालों में एक शाइन आ जाएगी, एकदम शाइनी से हेयर्स हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर मैंने कर लिया है पूरी तरह से हेयर वॉश। अब आफ्टर वॉशिंग आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, बालों में ड्राइनेस और फ्रिजीनेस बिल्कुल नहीं है, बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो गए हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला हैक शैम्पू में कॉफ़ी ऐड करने का। आपको कैसा लगा है तो मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।